हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड दिस इज माय चैनल। सो आज का टॉपिक होने वाला है विमेन हेल्थ को लेकर। सो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आता है टॉपिक वर्जिनल हेल्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वुमेन हेल्थ को लेकर। हम लोग इस पर बहुत ही कम डिस्कशन करते हैं किसी के साथ भी, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसके बारे में जानें और हम लोग इस बात पे डिस्कस करें अपने हस्बैंड से, अपने जो भी आपको जो भी आपके जानकार हैं उनसे डिस्कस कीजिए। लेकिन हम लोग विमेन बहुत ही घबराती हैं कि और अपने गायनेक को नहीं दिखाती हैं। अगर उनको सीवियर प्रॉब्लम है इसको लेकर तो भी वो नहीं जाती है, वो अंदर ही अंदर होता है और इन्फेक्शन फैलता है और ये बहुत ही आगे जाके बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो बिकॉज इन्फेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है जैसे हम लोगों को एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है, बॉयल्स हो जाते हैं, बॉयल्स मतलब फोड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाने होने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत फील होती है वहाँ पे, इचिंग होने लग जाती है और ये सारी चीज़ें हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे हम लोग का मूड बहुत ही चेंज होता रहता है, हम लोग बहुत इरिटेट रहते हैं। अगर हम लोग इंटरनली अच्छे नहीं है ना, तो बाहर से हम लोग कभी भी वो अच्छा फील नहीं करेंगे। हम चाहे थोड़ी देर करें लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से हम लोग उसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भी हम लोग इस चीज़ पर डिस्कस करें। तो अब बात आती है कि हम अपने वर्जाइनल एरिया को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिवेंशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है वर्जाइनल एरिया को ड्राई रखना। हमें जितना हो सके वर्जाइनल एरिया को ड्राई रखना चाहिए, इसीलिए हम लोगों को रेगुलर पैड चेंज करने चाहिए। मतलब पैड होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे में हमें पैड चेंज कर लेना चाहिए। आई नो कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको ज़्यादा फ्लो नहीं होता, तो वो लोग सोचते हैं कि एक पैड को पूरे 24 घंटे तक लगा के रखते हैं, बट ये बहुत ही गलत है कि वो बिकॉज इससे क्या होता है कि हमारे जो वो जो वर्जाइनल एरिया होता है वो ना वेट हो जाता है और वेट होने की वजह से हमें वहाँ इरिटेशन होने लग जाती है और हमें खुजली होने लगती है, रैशेज होने लग जाते हैं। तो इसलिए वर्जाइनल एरिया को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। जब क्लीनिंग की बात आती है तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वार्म वाटर। हमें जब भी वर्जाइनल एरिया की सफाई करनी चाहिए वो हमें थोड़े से वार्म वाटर, ना तो वो ज़्यादा ठंडा हो ना ही वो ज़्यादा गर्म हो, नॉर्मल वाटर हो, उससे हम लोगों को उसकी सफाई करनी चाहिए। हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको साबुन से धोएं, और साबुन तो हमें लगाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको साबुन लगाना है तो जो उसको आउटर एरिया है वहाँ पे लगाइए, बट अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमें इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हमें इचिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग इसके अंदर ऐसे लिक्विड वॉश यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ वी वॉश हो गया। ये क्या होता है कि हमारे पीएच को बैलेंस कर देता है। तो बट हमें इसको रेगुलर यूज़ नहीं करना। कई कई लोग इसको रेगुलर यूज़ करते हैं अगर वो किसी गायनेक के पास जाते हैं और वो लोग इसको देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे रेगुलर यूज़ करना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तो हमारा पीएच बैलेंस वहाँ पे अगर हम वाटर से भी धोएंगे तो वो बैलेंस रहता है, बट अगर बहुत ही सीवियर चांसेस है कि आपको बहुत इरिटेशन है तब आपको इसको यूज़ करना है, अदरवाइज आप नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, वो हेल्दी ही रहेगी। और वो अपने हमें अपने डाइट में कर्ड को इंक्लूड करना ही है, बिकॉज इसके अंदर एक गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वर्जिनल एरिया की तरफ, उन्हें ये रिमूव करते हैं। और इसमें ये क्या होता है, कर्ड क्या होता है, प्रोबायोटिक होता है, जो एक कर्ड के अंदर होते हैं इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। सो ये हमारे वर्जिनल एरिया को इन्फेक्शन से बचाता है, तो इसलिए अपनी डाइट के अंदर कर्ड इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विमेन हैं तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कर्ड पसंद नहीं करते तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं, बटर मिल्क में छाछ ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड फॉर्म ले सकते हैं, छाछ, लस्सी या जो भी आप प्रेफर करते हैं वो ले सकते हैं, बट वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर। सो नेक्स्ट वन इज़ ब्रीथेबल फैब्रिक। हमें हमारे डेली यूज़ में हमेशा ब्रीथेबल फैब्रिक पहनने चाहिए, जैसे कॉटन क्लोथ्स हो गए। आपको साटन और सिंथेटिक फैब्रिक अवॉइड करने हैं। आप जब भी घर पर रहें तो बहुत ही लूज़ कपड़े पहनिए, ताकि ताकि हमारे वर्जिनल एरिया को
अगर हम लोग बहुत ही कंजेस्टेड कपड़े पहनते हैं, जैसे जींस हो गया, बहुत ही टाइट पैंट्स हो गई, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको सिंथेटिक कपड़े हमेशा अवॉइड करने चाहिए वहाँ, और स्पेशली अगर आप रात को सोते समय, आपको बहुत ही लूज कपड़े पहनने चाहिए। हम लोगों को सांस की ज़रूरत होती है, वैसे वहाँ भी सांस की ज़रूरत होती है, उसे भी बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इसलिए रात को सोते समय आप थोड़े लूज कपड़े पहनिए। और नेक्स्ट इज, अगर आप वेट क्लोथ्स अवॉइड कीजिए। जब भी आप ज़्यादातर रेनी सीजन में होता है कि हम लोग अगर गीले होते हैं, तो आपको जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी कपड़े बदलने चाहिए, बिकॉज जितना वो एरिया गीला रहेगा ना, उतना वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। सो हमें ये बात बहुत ही ध्यान रखनी है कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ हम लोग को वो चीज़ हमेशा ड्राई ही रखनी है। वो चाहे अंडरवेयर की बात हो, वो चाहे पैड्स की बात हो, तो वो हमें जहाँ तक होना चाहिए कि वो एरिया हमेशा ही ड्राई रहे। सो आई होप सो आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे होंगे, आप इनको रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ अपने आसपास कोई भी गायनेक देखिए, उनको दिखाइए, बिकॉज़ हम लोग ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, बट ये आगे चल के हमें बहुत ही प्रॉब्लम देती हैं। वाई डिस्चार्ज होना बड़ी बात नहीं है, वाई डिस्चार्ज तो सबको होता है, बट कई बार क्या होता है, बहुत ही स्मेली होता है कई बार वो वाई डिस्चार्ज, तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और हमें बहुत ही रेगुलर वाई डिस्चार्ज हो रहा है, बिकॉज क्या होता है, वाई डिस्चार्ज होता है पीरियड से पहले आता है, या पीरियड्स के थोड़े दिनों तक आता है, बट अगर वो रेगुलर आ रहा है और बहुत ही स्मेली है, उसका कलर बहुत ही अलग है, तो ये इन्फेक्शन का साइन है। तो इसलिए अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इन चीज़ों के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो प्लीज़ अपने गायनेक को दिखाइए। सो आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।